जवाहर जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, स्वागत है आप मन के मोर ब्लॉग में। तो संगवारी हो कैसे हो आप मन? हाँ, आशा करता हूँ कि आप मन एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग ले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी बहुत ही सुबह के समय और मैं हाँ नहा धो डली हूँ, पूजा पाठ कर चुके हैं और आज हरे अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के मोर तरफ से आप मन ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। देखो मोर बेटू है कैसे पानी गर्म हुआ तेल बता थे चाचा के नहाए के लिए हुआ थे करके किसके लिए है। तो अभी मैं यहाँ आ चुकी हूँ किचन में और देखो मैं यहाँ कहाँ बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ लौकी और चना दाल की सब्जी। तो अभी मैं यहाँ लौकी और चना दाल ला भूंजा थे वो। देखो मैं यहाँ पानी डाल चुकी हूँ, धनिया पत्ती भी डाल चुका हूँ। अभी यहाँ डबकी अच्छे से चूरी फिर मोर लौकी की सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये अभी डबकने वाला है तो मैं अभी ढक्कन रख ढक देता हूँ। तो ये देखो मोर लौकी की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, कितना प्यारा दिखत है वह और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते है। बनाया हूँ पोहा सुबह के नाश्ता में। तो ये पोहा बन के रेडी हो चुके हैं। मैं जा रही हूँ मोर फ्रेंड की शादी में तो मैं अभी रेडी हुआ था। तो संगवारी हो चलो अपन बने रहो मोर ब्लॉग में कंटिन्यू। संगवारी हो मैं पोहा फाइनली रेडी हो चुके हैं शादी में जाए पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज तो, बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो चलो मैं यहाँ पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ा देर में, तो मिलते हैं आप मन लागे। तो संगवारी हो ये देखो मैं हाँ मोर फ्रेंड के शादी में आ चुके हैं वो, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा थे और बाकी मोर दो जन फ्रेंड और आए हैं भाई अरे अरे दो जन की भाई जो कि मोर फ्रेंड अरे हम यहाँ साथ में स्कूल में पढ़ाई करे हन और कॉलेज भी करे हेमन। अरे तो देखो मेकअप आर्टिस्ट शिवानी भट्ट, अगर कोई ला ब्राइडल मेकअप कराना हो तो एकर से जरूर कांटेक्ट करो। और एक तो देखो रुकावा थे भाई जाओ खाना खा। अभी हमन सब कोई खाना खाए बैठे हैं, एक जन डाइट करा थे देखो यहाँ दे, फिर भी चार छन सब्जी निकाल के खा थे, वो बोला थे मैं डाइट करा था। तो हम खाना वाना खा चुके हैं अब हम जात हन घर के साइड। तो चलो आप मन बने रहो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू। अरे जी देखो और देवरानी के माँ का लाहे हमारे यहाँ आम लाहे, कलिंदर लाहे, अंगूर लाहे, भाजी और लाहे नींबू। तो मिलो देखो देवरानी की ओकर मम्मी और ओकर भाभी के मम्मी आज हमारे यहाँ बैठे ला आए वह। आज हमारे यहाँ मार्केट रही से गांव में, तो ये देखो हमारे यहाँ सब्जी ला चुके हैं और धो धो के रखे थे और मेरे बेटू ला देखो कैसे वो साफ करन लगा थे भाई, सब्जी मन ला धोवन लगा थे भाई। बहुत ही शाम के समय और हम किचन में आ चुके हैं पर और ये दाल बन चुके हैं भाई और मैं बना थी वो ये चावल और देखो ये बना थी भाजी का भाजी हरे आप मैंने सोच के बताओ। चलो मुझे बता देता हूँ ये है हरी चेच भाजी सफ़ेद चेच जो कि बहुत ही अच्छा लगते हैं गर्मी में, तो गर्मी में सब बहुत खाते हैं गर्मी में ज़्यादा अच्छा लगते हैं। यहाँ रोटी बनाए बार आटा भी सान चुके हैं वो और ये दे बनी है भाई सूखा बरबट्टी की सब्जी जो कि बन के तैयार हो चुके हैं। और मैं हम बना था आलू तो ये मैं आलू ला उबाल के रखी है वो और प्याज और मिर्ची भी काट चुके हैं वो। अब मैं यहाँ कढ़ाही ला रख चुके हैं वो, अब मैं यहाँ कढ़ाही में डाला थी वो तेल दे तेल ला डाल चुके हैं वो। अब मैं यहाँ इमा मीठा पत्ती थोड़ा से जीरा और थोड़ा से सरसों के फोरन दूँ और बाद प्याज और मिर्ची ला डालूँ फिर उला अच्छा से पकाऊँ जब तक वो भूरा नहीं हो जाए। फोरन ला दे चुके हैं और मैं यहाँ इमा लहसुन के भी फोरन दे हूँ, लहसुन ला बताना आप मन ला भूल चुके रहे हूँ। तो ये मैं यहाँ थोड़ा ही देर में अच्छा से भुंजा देते फिर मैं यहाँ आलू ला डालूँ। ये देखो मैं यहाँ आलू ला मैश करके रख चुके हैं वो, मैं भुंजा चुके हैं और ये देखो मैं यहाँ आलू ला डाल चुके हूँ और मसाला मतलब भी ऐड कर चुके हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाले हों और धनिया पत्ती भी ऐड कर चुके हैं। अब ये मिक्स करना है अच्छा से, थोड़ा देर और भूंजना है ना। थोड़ा देर और भूंजना है फिर ये बन के तैयार हो जाते आलू की चटनी है। तो ये देखो और आलू की चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है, कितना प्यारा लुक आ है भाई।
रेडी टेक को संगवारी हो, चीज भाजी भी बन के रेडी हो चुकी है, बस बन चुकी है। और मैं हजार खुवाई दी मोर बेटू ला खाना खिलाए हुआ, तो चलो मैं वाला खाना खिलाता हूँ, तब तक अपन बने रहूँ और ब्लॉग भी कंटिन्यू। यहाँ सबसे खाना वाना खा चुके हैं भाई और रेडी किचन भी साफ सुथरा हो चुके हैं भाई। तो आज के ब्लॉग बस इतना तक ही, बने रहूँ आप मन आगे मोर चैनल में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।